नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। 2024 के रण में सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है और इसके लिए पार्टी खास प्लान तैयार कर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया जहां पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में कमजोर रहा है और वहीं कांग्रेस के लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी की राह काफी ज्यादा कठिन नजर आ रही है। हरियाणा की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस खेला कर सकती है और साथ ही हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके मैदान में उतरी है। आप एक तो कांग्रेस और 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दोनों ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और साथ ही बीजेपी के लिए चुनाव की राह अब कठिन दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक से मौजूदा सांसद बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार घोषित किया और रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। देश की आजादी के बाद पहली बार चुनाव में वर्ष 1952 में दीपेंद्र हुड्डा के दादा रणबीर सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी और साथ ही हुड्डा के मैदान में उतारने से अब सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है और जेजेपी ने अपना सुर अचानक बदल लिया। पहले भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर चुप्पी साधने वाले जजपा नेता अब हमलावर हैं, वहीं भाजपा की नीतियों को कोसना भी उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं पूरे दमखम के साथ इनेलो के प्रदेश में जलवा बिखेरने की तैयारी कर रही है। दो के रण में सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। बीजेपी पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है और इसके लिए पार्टी खास प्लान तैयार कर आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया जहां पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में कमजोर रहा है। वहीं खास खबर में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मोनू पांचाल, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद नजर आते हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं और चुनाव को लेकर दोनों सभी दलों की क्या कुछ तैयारी है, इस पर थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। सोनिया देखिए, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से जो है, क्योंकि लगभग एक महीना पहले जो है वो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो है वो इलाके जो है वो अपने अपने लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों को घोषित कर दिया, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार जो कांग्रेस की सीट अब जो है वो फाइनल हो चुकी है और नाम भी घोषित कर दिए गए हैं, तो उसके चलते अब कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो यहाँ पर कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे वो गुरुग्राम की बात की जाए, चाहे वो रोहतक लोकसभा सीट की बात की जाए, चाहे वो सिरसा लोकसभा सीट की बात की जाए, तो तमाम चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो आपको जो है नजर अगर देखी जाए तो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक अभी जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लेट होते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी सिरसा गुर्जर ने यही सोचा था कि तो उनकी टक्कर में कोई नहीं है और कोई मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकता, तो जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जीत जो है वो यहाँ पर जो है वो मान ली थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जो उम्मीदवार जो उतारा महेंद्र प्रताप जो है उनको जो उतारा, तो कहीं ना कहीं अब कांटे का मुकाबला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद की लोकसभा सीट का जो जो कहीं ना कहीं जो तस्वीर जो बदलेगी वो ग्रामीण क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों से तो लोग खुश है, लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से तीसरी बार जो भरोसा
यहाँ पर जो है कृष्ण पाल पे किया है, तो कृष्ण पाल का कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की जिस तरीके से 400 पार का आंकड़ा है पर जो लगाने की बात जो यहाँ पर कह रहे कि 400 पार का आंकड़ा उनका पार रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बीजेपी के नेता जो है वो 400 पार का जो है वो कहीं ना कहीं गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो अभी जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, इसके चलते और कहीं ना कहीं बीजेपी के चलते कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो है जो मुकाबला है वो कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनुमान यहाँ पर ज्योति लगाए जा रहे हैं उससे यही लगता है कि 400 पार तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जरूर बन सकती है बीजेपी की, लेकिन 400 पार का आंकड़ा वो पार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो जो बात की जाए, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तमाम जितने भी वो जो पार्टियां हैं वो दमखम जो है वो अपने जो है लोकसभाओं में लगाने का काम कर रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हरियाणा में हुआ, क्योंकि एक सीट जो है वो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र को दे दी गई है, तो कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में भी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक सोनिया लगभग जो है वो अगर फरीदाबाद की सीट की बात की जाए तो अभी तक कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, इसका फैसला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र कर सकता है। जी सोनिया, ठीक है, मोनू हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता के पास सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी, राजबीर रोहिला जी, पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, अब आप कितने आश्वस्त है कि इस बार भी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत दर्ज करेगी? आपके सभी दर्शकों को और आपको सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था हरियाणा में, जो इनकी एक सीट थी जिसपे ये लोग रोहतक है, रोहतक भी भारतीय जनता पार्टी ने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। आने वाले जो चुनाव है 25 तारीख को जो मतदान है, पहले तो मैं सभी देश की हरियाणा की जागरूक जनता को निवेदन करूंगा कि भाई वो वोट जरूर डाले, चाहे वो किसी भी पक्ष में डाले, लेकिन वोट जरूर डाले क्योंकि आपका अधिकार है। अब रही बात चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटें फिर से जीतने जा रही है, क्योंकि हमने नॉमिनेशन कर चुके हैं तकरीबन, और हमारा जो प्रचार पूरा चरण पर है, और हमारे जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, और हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वो घर घर जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए 9.5 साल में, और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को बताकर हम विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। ठीक है, राजबीर रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ, लगातार कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, वक्त कम है, आपके पार्टी ने पहले ही लेट उम्मीदवारों की घोषणा की है और चुनावी तैयारियों का वक्त कम है, इसलिए आपकी पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़ रही है चुनाव को लेकर? देखिए सोनिया जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा और आपके दर्शकों को धन्यवाद बोलूंगा जी। देखिए पहले तो बताता हूँ, कोई लेट नहीं है। आज से पहले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए 15 से 20 दिन पहले सीट डिक्लेयर होती थी, आपको पता है, आप बेशक चेक करा लीजिए। दूसरा, हमारी कांग्रेस की प्लेटफॉर्म तो आज से 3 महीने पहले तैयार है। हमारे कांग्रेस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उदयभान जी और विपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने जन क्रोश रैली करके कांग्रेस जन संदेश यात्रा जनवरी से मार्च तक ये सारी चलती रही, पूरे हरियाणा हम देख चुके हैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इनके बीजेपी की सपने चूर हो चुके हैं, जब तक तो कहते सीट डिक्लेयर नहीं हुई, सीट डिक्लेयर नहीं हुई, जब तक तो सीट नहीं डिक्लेयर होते ऊंचे ऊंचे सपने ले रहे थे कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। आप जब सीट डिक्लेयर कर दी तो उनके सपनों की हवा निकल गई, आप ये 2-3 सीटें भी सिमट जाएंगे, ये जो सपने ले रहे ना, तो भाई मेरे प्रवक्ता बोले 10 सीट 10 सीट, ये तो सपना होगा, दूर की बात। रही रोहतक की बात, वो गलती से अरविंद शर्मा जीत गए, दीपेंद्र जी तो रात को भी सपने में आते हैं, दीपेंद्र जी सीट सबसे पहले निकल गए, हरियाणा में सबसे अच्छे मार्जिन से निकलेगी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस बात में मुझे शर्त लगा लें, आज दीपेंद्र जी कोई नहीं रह सकता रोहतक से। तो भाई साहब, ये 9 साल का जो ग्राफ है ना, जनता देख रही है, 2019 में आपने नारा दिया था, 19 में नारा दिया था कि 10 लोकसभा सीटें जीत गए थे, उसके बाद विधानसभा सीटों में क्या हाल हुआ आपका, आप 40 सीटों पर सिमट गए। जिस पार्टी के खिलाफ आपने लड़ा, साहब ने भी लड़ाई थी, उससे गठबंधन कर लिया, आप सरकार बनाने के इतने लालची हो, आपने अपनी सारी मर्यादा ताक ताक कर दी। रही बात मोदी की, मोदी नाम है दूसरा बेरोजगारी गारंटी का, महंगाई का, आज सिर्फ 15 लाख खाते हमारे से क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी देने थे, 1 स्मार्ट सिटी भी दिया तो बता दो, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, 2 करोड़ बेरोजगार देने थे, बेरोजगारी देने थे, बताओ कौन सा बेरोजगार दिया। ये 200-250 सीटों पर सिमट जाएंगे, 400 बार का नारा अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लगाना बंद कर दिया।
ये 400 सीट नारे की बात, 404 है, 411 सीटें तो हम 1984 में जीत चुके हैं, जो हम रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरा, ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है, मैं जनता से अपील करूंगा, ना हमारी बात पे जाइए ना इनके बात पे जाइए, काम बोलेगा। कांग्रेस का कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल देखिए, तब वोट कीजिए। जो ये महंगाई, बेरोजगारी, हरियाणा में स्थिति ऐसी है सरकार की, इन्होंने, मैं कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हो भाइयों, आप सबको पीटा इन्होंने, सब लोग हड़ताल पे गए हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, 750 किसान के हत्यारे हैं, उनकी आत्मा इनको कोस रही है, इनको गाँव में जाने नहीं दिया जा रहा, इनके नाम की तख्ती लगी पड़ी है। अभी आप देखना सोनिया जी का कितना बुरा हाल होगा, अभी तो हम चालू नहीं हुए, अभी चालू होने शुरू होंगे। आज हमारे महेंद्र प्रताप जी का नॉमिनेशन है फरीदाबाद से, वो भी कांटे की टक्कर है, कहा किशन पाल जी बोलते थे मैं लाखों वोट से जीतूंगा, अब हार जीत का अंतर ही हजारों में जाएगा, ये आप देख लेना। और मेरे संवाददाता मेरे जुड़े हुए, उनको पता है सारी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। और ऐसे ही गुड़गांव में हमने नाम ही दिया है, गुड़गांव में भी हवा निकली पड़ी है, सब जगह कांटे की टक्कर है, आप जो उनके सपने थे ना 10 सीटें जीत जाएंगे, उन सपनों में ब्रेक लग गई है। ठीक है गुप्ता जी, हमारे साथ लगातार रोहिला जी बने हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि रोहिला जी, तमाम तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है, और अभी आपने गुप्ता जी को सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे सपने जो है वो चूर हो गए हैं, और लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूंगा प्रतिक्रिया। 2014 में भी वही लोग विरोध में थे हमारे, 2019 में भी ये कुछ चिन्हित लोग हैं जिन्हें एक चाय वाला प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, जिन्हें एक आम घर से जो एक मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा वो मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। इन लोगों का सीधा सीधा फंडा ये है कि भी हमारा मतलब है मुख्यमंत्री हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, जबकि जनता आज, जनता जागरूक हो चुकी, जनता आज उसे चुन रही है जो जनता के हितों की रक्षा करता है, जो जनता के मन में बैठा है, और जनता के मन में आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की रैलियां सुपर हिट हो रही है, हरियाणा में हमारे जो नामांकन करने के लिए राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कल शायद शैलजा जी का नॉमिनेशन था, क्या हुड्डा जी शैलजा जी का मतलब प्रचार करने जाएंगे, क्या रणदीप सुरजेवाला रोहतक में प्रचार करने आएंगे, इन लोगों की जो कुछ गुटबाजी है उसने पूरा हरियाणा देख रहा है उसको, और उसी हरियाणा को पता है कि भाई इन लोगों का सिर्फ अपने एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं बस, बाकी इनमें जो फूट है पूरे हरियाणा ने देखी है, जो सीटों को सीटें जो भी इनकी आवंटित हुई है, तो फरीदाबाद में करण सिंह दलाल ने अपनी पंचायत की है, ठीक है, किरण चौधरी जी का अपना अलग एक व्यवस्था बना रखी है उन्होंने, के बस जितना मेरा साथ राव दान सिंह ने दिया था उससे डबल मैं उसको उनका साथ दूंगी, तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं इनकी फूट कहां लेके बैठेगी इनको। ठीक है, ठीक है रोहिला जी, इसी पर हम गुप्ता जी से रिएक्शन ले लेते हैं। गुप्ता जी, लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और क्या वजह है कि कांग्रेस में इतनी अंतर्कलह चल रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और आपकी पार्टी बार बार गुटबाजी का शिकार हो जाती है, क्या वजह है? देखिए वाला पहले तो मुझे प्रस्ताव बोलना, चिंता हो रही है अपनी पार्टी की, चिंता कीजिए, अगर हमारी पार्टी की गुटबाजी है तो फायदा तो आप ही, क्यों हमारा तो गुटबाजी ज्यादा नजर आ रही है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही, आप अपनी सबको मना लिया जाएगा, सब नहीं सीख जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी, तो सुन के जितर पा मारा, तब भी मोदी जी की सरकार थी सेंटर में, तब भी मोदी इनके नेता थे, हाथ लगे बताओ, इसलिए इस पे बोलने कुछ नहीं, सिर्फ झूठी बात बोलते ना, सब कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना ये कि कांग्रेस सरकार बने, ये गठबंधन बड़ी मुश्किल से लड़ेगा, बहुत ही मुकाबला है इनका। ठीक है गुप्ता जी, शायद तकनीकी खामी के कारण आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रोहिला जी लगातार बने हुए हैं। रोहिला जी, रोहतक सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा कितनी बड़ी चुनौती? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये जब भी मतलब सांसद बने थे तो इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे,
ये बात इन्हें नहीं भूलनी चाहिए। मैं एक बड़े पेड़ की उसमें इन्होंने मतलब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, यानी कि परिवारवाद से भाई फादर साहब मुख्यमंत्री है तो इनको लोकसभा लड़ा दो, राज्यसभा भेज दो, इसके अलावा क्या उपलब्धि उन लोगों की। अब एक चुनाव उन्होंने अपने फादर साहब के बगैर लड़ा था, उसी में जनता ने इनको हरा दिया 2019 में। ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। आज सत्ता उसके पास जाएगी जो जो डिलीवर करेगा, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वो जो रजवाड़े हैं वो पीछे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अपनी वोट का महत्व बताया है कि भाई तुम लोग तुम्हारी वोट का ये महत्व है कि तुम्हारे एक वोट से धारा 370 खत्म हो सकती है, श्री राम मंदिर बन सकता है, सीए आ सकता है, एनआरसी आ सकता है, 3 तलाक खत्म हो सकता है। तो मैं गिनाने के लिए अगर मैं बैठूंगा तो आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से लेकर आसमान तक वो काम किए, आप वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं वो काम, ठीक है ना। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 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 काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मोदी सरकार ने किए, मनोहर लाल सरकार ने किए, नायब सैनी सरकार जो कर रही है, वो काम 70 साल में कभी भी कांग्रेस ने नहीं किए। आज आप 152D का जो नारनौल से अंबाला तक का रोड है उसमें जाके देखो, उससे आधा हरियाणा कनेक्ट हो गया बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा की लाइफ लाइन बन चुकी है। वो किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, मनोहर लाल जी ने किया है। वो ये ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम एम से बनने लग रहे हैं, महिला कॉलेज बनने लग रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज आयुष्मान में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार क्रांतिकारी फैसला लेके आई है। मैं 70 साल से ऊपर के जितने भी कोई भी अमीर है, गरीब है, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, सबको उसमें उनको मदद मिलेगी। तो कांग्रेस ने कभी भी विकास की राजनीति नहीं की, हमेशा इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमेशा ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये संविधान की जो एक मूल भाषा उसको खत्म करने का कोशिश की इन लोगों ने, कर्नाटक में, तेलंगाना तुष्टीकरण की राजनीति की है, इस पर क्या कुछ रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया? भाई ये जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, ये जो इतना विकास नजर आ रहा है, आपको विकास बना बनाया मिल गया क्या? किसी भी जमीन खोदने की नींव जरूर होती है, जितने भी विकास आप कर रहे हो नींव हमारी है, नींव पे बिल्डिंग बनाना आसान होता है। आपको शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हैं, परिवारवाद का करते हो। आपके यूपी में ब्रिजभूषण के लड़कियों को टिकट देती, वो परिवारवाद नहीं है? हजारों करोड़ों लड़कियों के साथ आपने धोखा करा, उसका बाप भ्रष्टाचार का, वही उस पर इल्जाम लगे थे यौन शोषण के, उसके लड़कों को टिकट दे दी, क्या मर्यादा है आपकी? और परिवारवाद की बात करते हो, वो उनका बेटा नहीं है, अब परिवार मर्यादा नहीं आता आपको? अब परिवारवाद की बात कहां चले गई? आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? 75 साल में जिस मोबाइल पे आप प्रयोग कर रहे हो, जिस मोबाइल पे आप ये बोल रहे हो, ये मोबाइल किसकी देना है? कांग्रेस की देना है। और आज चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना है किसकी देना है? वो संविधान किसकी देना है? कांग्रेस की देना है। आज जिन हवाई जहाजों में घूमते हो किसकी देना है? कांग्रेस की देना है। जब देश आजाद हुआ था सुई भी नहीं थी हमारे पास, देश कर्दार था, हमारे प्राइम मिनिस्टरों ने पहले फटे कपड़े पहन के गुजारा करा। आपके मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, किसकी देना है? और रही विकास की बात करते हो, महाराज किसी से उधार लेकर अपना घर बनाते हो? जब देश आजाद 2014 से सरकार थी, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कर्जा कौन देगा? तुम्हारे पुश्तानी देंगे, तुम अपने घर से लाए थे या तुम्हारे आने वाले देंगे? हरियाणा में कर्जा कितना था? 60 हजार करोड़ का कर्जा था, आज कितना कर्जा है बताइए? 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी और सोनिया जी जो बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, हम सब लोगों पे, हरियाणा की एक जनता पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। बीजेपी प्रवक्ता भाई आप पे भी कर्जा है, आप विकास की बात करते हो, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो लोग कर्जदार घर आए और कर्जदार मांगे, आप उनको सच्चे की बात करते हो? आप इन कर्जों पे क्या बोलोगे? आप इनका तक कर्जा कैसे बढ़ गया? इसको विकास की बात करते हो, दूसरे कर्जा लेके अपने घर चमकाते हो? अरे करना तो अपनी सरकार से करिए, अपनी डिसीजन कर दिए, इन्फ्लेशन बढ़ाइए, उनको बढ़ाइए, महंगाई कम कर दिए। आप कह रहे थे 50 रुपए पेट्रोल देंगे, कहाँ गया 50 रुपए पेट्रोल? आपके रामदेव जी घूमते थे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहाँ है काला धन बताइए? काला धन कहाँ से लगाया? जीएसटी करी, नोटबंदी करी, कहाँ गया काला धन? जब तो आपके नारा देते थे बीजेपी के, यही आपके जो मुख्यमंत्री जो आज प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, ये क्या करते थे 2004 में जब जीएसटी का स्लैब हमने 18% लगाने की इच्छा थी, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब इनकी मीटिंग हुई सारे मुख्यमंत्री बुलाया गया, इनको ऑब्जेक्शन था 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। आप इन्होंने स्लैब क्या लगाया 28%, खाने तक को छोड़ा नहीं, आटे तक को छोड़ा नहीं, बच्चों को दूध का तो छोड़ा नहीं। आप विकास की बात करते हो, 750 किसानों को मार दिया, पूरे देश में हस्ती उड़ा रहे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हस्ती उड़ रही है। अभी यूके के उन्होंने 3-4 देशों ने क्या बोला जब केजरीवाल को अरेस्ट किया, भाई ये नहीं मानता भ्रष्टाचार का अप्रोच सीधा होगा, वो कोर्ट देखेगी, उन्होंने क्या कहा कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, आप इसकी बात करते हो, आप अपने विकास को देखिए, इनके विकास की हवा निकलती है, झूठ बोलने की गारंटी है,
अगर सही होते तो मनोहर को ना हटाते, सिर्फ ओबीसी कार्ड करने के लिए हो गया। अगर मनोहर खट्टर ने अच्छा काम किया तो अभी भी रहते, आप सिमट जाओगे 200-250 के नारा हवा लेकर चुकी है। आप अच्छी तरह को रही दीपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी आप इतने बड़े नेता है, आपकी पूरी बीजेपी में हरियाणा में कोई इतना बड़ा नेता नहीं होगा। आप यार देखना अरविंद शर्मा जी कितने वोट से हारेंगे, मेरी बात लिख लेना टाइम से। अगर दोबारा डिबेट करने का मौका मिला ना इलेक्शन रिजल्ट के बाद तो मैं आपसे डिबेट करूंगा। दीपेंद्र जी 100% जीतेंगे, इतने लाखों वोट से जीतेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी चिंता कीजिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता मत कीजिए। ठीक है गुप्ता जी, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। वहीं इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं, लगातार हमारे साथ रोहिला जी बने हुए हैं। रोहिला जी, जिस तरह कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसे आपको चुनाव में टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है, गुटबाजी की लगातार आपको खबरें सुनाई दे रही हैं, लगातार खबरें आपके सामने आ रही हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस आपको टक्कर दे पाएगी? गुप्ता जी बड़े अधीर हो जाते हैं, इनसे मेरा निवेदन है, आप भाई है मेरे, बड़े आराम से बात कीजिए, आइतर मत होइए। 2013 से लेकर 2024 में आज चुनावी मोड में कांग्रेस भी, आज हर पार्टी है, इन लोगों ने अपना संगठन तैयार नहीं किया। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या अन्य जो एक वो इनके एक एक प्रथा है भाई, हमें ये पद बनाने हैं, क्योंकि इन्होंने ये पद इसलिए निभाते कहीं इनमें भगदड़ ना मच जाए, ठीक है ना। तो गुटबाजी के कारण ही तो ये इन्होंने 3-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, जिसका कोई क्रम पूरा हो ही नहीं पाया। इनके जो अशोक तंवर जी थे वो कितनी पार्टियों में जाके आज वो हमारी पार्टी में आज उनको सम्मान मिला है, एक दलित को सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको आज सिरसा से टिकट दी है। शैलजा जी का इन्होंने ट्रम पूरा नहीं होने दिया, न उनसे कार्यकारिणी बनाने दी। तो ये कोई कांग्रेस में जो चल रहा है, पूरा हरियाणा जानता है उस बात को, ठीक है एक दो क्षेत्र में इनका कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन आम जनता ये समझ रही है कांग्रेस भाजपा का विकल्प नहीं है, सिर्फ भाजपा ही भाजपा का विकल्प है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है, मोदी जी की गारंटी ही विकास की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी ही शिक्षा की गारंटी, मोदी जी की गारंटी ही स्वास्थ्य की गारंटी है। ठीक है राजवीर जी, बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारे साथ मोनू पांचाल भी बने हुए हैं। मोनू पांचाल, आज क्या क्या चुनावी हलचल आपके हलके में देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम तरह के नॉमिनेशन प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी इस पर चुनाव को लेकर क्या कुछ हलचल आज आपके हलके में देखने को मिलेगी? देखिए अगर जो है सोनिया, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में आज जो है भूपेंद्र प्रसाद जो है वो अपना नामांकन जो है वो यहाँ पर दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेंट लगाया, पंडाल लगाया, उसमें जो सभी इकट्ठे कार्यकर्ता जितने भी वर्कर है वो यहाँ पर इकट्ठा, तमाम इकट्ठा होकर के तब जो है वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से एक छोटा सा आयोजन जो यहाँ पर जो है महेंद्र प्रताप ने करा है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी फरीदाबाद में पूरी तरीके से टक्कर में नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आम जनता जो है वो केसरपाल से यही की सवाल करती है, आखिरकार जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सेंटर कार्य से हुए हैं, सेंटर से जो है वो हुए हैं। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो जिस तरीके से जो है बीजेपी के प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर वो बाहर से जो यानी कि देखा जाए तो 2 बार जो है वो सांसद रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने किस तरीके के विकास जो है वो फरीदाबाद में कराए, क्योंकि कुछ गांव जो है उन्होंने गोद लिए हुए थे। तिरपत गांव की बात की जाए चाहे वो अन्य गांव की बात की जाए, उन गांवों में किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है उनसे जरा जो है वो जनता जरूर खुश होती हुई नजर आई है, लेकिन बात की जाए तो प्रत्याशी के तौर पर जो है वो बीजेपी के केसरपाल गुर्जर थे वो लोग जो है जरा यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया कुछ जो बीजेपी के तमाम नेता चाहे वो कैबिनेट पूर्व मंत्री जो है जो पूर्वेन है वो है वो फील्ड में नजर नहीं आ रहे, वो किसी तरीके का प्रचार यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस पर जो बीजेपी वार करती हुई नजर आ रही थी गुटबाजी देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी में भी काफी गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो सिरसा की बात की जाए, क्योंकि कुछ समय पहले जो है वो कहीं ना कहीं अशोक तंवर ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन करी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट दे दी गई, लेकिन सारे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो अच्छे खासे यहाँ पर नाराज होते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। चाहे वो गुरुग्राम की बात कर ली जाए, गुरुग्राम में जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वहां पर जो वो तैयारियां लोकसभा की कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो वहां पर जो है वो जो है
जो है पुराने व्यक्ति को उतार के जिस तरीके से देखा जाए राज बब्बर को यहाँ पर उतार दिया, तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी होती हुई यहाँ पर भी नजर आ रही है। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो, लेकिन आखिरकार हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो है वो जो लगभग है वो कांटे का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो रोहतक की शेखा की बात कर ली जाए, चाहे वो हरदाब की बात कर ली जाए, चाहे वो गुरुग्राम की बात कर ली जाए, तमाम जो है लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो अभी तक जो लोगों का अनुमान है वो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी सोनिया जी, ठीक है मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला, आपका भी धन्यवाद। 2024 के चुनावी रण में सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। वहीं क्या 2024 में चुनावी समीकरण बदलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।